हरियाणा के बहुचर्चित चप्पल थप्पड़ कांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह पर मानहानि का दावा कर दिया। सोनाली ने सुल्तान को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। इसको लेकर अब 1 महीने में सुल्तान सिंह को जवाब दाखिल करना होगा। बता दें कि टिकटॉक स्टार नाम से प्रचलित और आदमपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट ने जून में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को बाल संबंध अनाज मंडी में छेड़छाड़ का आरोप लगा चप्पल और थप्पड़ों से पीटा था, जिसके बाद वीडियो भी बनाया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था। इस मामले में सुल्तान सिंह और सोनाली दोनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में सोनाली फोगाट की जमानत याचिका को बरकरार रखने के फैसले के बाद अब सोनाली फोगाट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सोनाली फोगाट ने सुल्तान सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। महिला आयोग के सामने सोनाली फोगाट ने घटना संबंधी दस्तावेज और कुछ अन्य चीजें पेश की थी। इसमें एक ऑडियो क्लिप भी थी। आरोप लगाया गया था कि इस ऑडियो में सोनाली फोगाट के बारे में सुल्तान सिंह ने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली हुई थी। इसके बाद पंचकुला में सुनवाई भी हुई थी। महिला आयोग ने यह ऑडियो सुनी, सोनाली फोगाट को अपनी जगह पर सही बताया था। इसके अगले ही दिन सुल्तान सिंह ने महिला आयोग पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें भी अपना पक्ष रखने के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था। सुल्तान सिंह इस मामले के देश भर में सुर्खियों में आने के बाद अपनी बिनैन खाप की शरण में पहुंचे थे। बिनैन खाप ने हरियाणा सरकार को सोनाली की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया था। इसके 2 दिन बाद ही सोनाली फोगाट को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसके 2 ही घंटे बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। वहीं सुल्तान सिंह के पक्ष के वकील ने कोर्ट में सोनाली की जमानत रद्द करने की याचिका लगाई हुई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पंचायत ने एसपी से मिलकर पूरे मामले की जांच की मांग भी की थी। सोनाली फोगाट ने अब सुल्तान सिंह को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। इसे लेकर जवाब देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। तुम्हारी जैसे लोगों के लिए करती हूँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सब मानसी जीने का अधिकार नहीं है, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी। जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में लिखो, मैं जी रिपोर्ट लिखो तो लेकर चलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? तुम लोगों के लिए करती हूँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.